हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 54 फॉर क्लास 10th, जो कि है 17 नवंबर 2020 के लिए। बच्चों, ये वर्कशीट एक आर्टिकल की तरह है। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है। यू हैव टू स्टडी दिस पाई चार्ट केयरफुली। और पढ़ लेते हैं टास्क ए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। हर साल हम सुनते हैं कि नवंबर में, अक्टूबर में जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो सबकी नज़रों में आ जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। देन वॉट, एवरी डे वी रीड एंड हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स। ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब होती जाती है एयर क्वालिटी। स्टडी द पाई चार्ट। देखो बेटा, ये जो सर्कल में बना हुआ है चार्ट, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। सो स्टडी द पाई चार्ट बिलो डिपिक्टिंग द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन, जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो किन किन चीज़ों से बढ़ता है। ये हमें नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स रीड। एनालाइजिंग द गिवन डेटा, ये जो डेटा हमें दिया गया है इसको एनालाइज करना है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन टॉपिक, ध्यान से देखिए, डेली गैस्प्स फॉर ब्रेथ। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर है कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन। ये है नंबर 1 पे, मुझे दिख रहा है ये वाला 33% वाला, व्हीकुलर एमिशन, जो कि आपकी गाड़ियों से निकलता है। सेकेंड नंबर पर है 29% क्रॉप रेजिड्यू, जो कि आपने सुना होगा पराली के बारे में। आसपास के स्टेट्स में पराली, जो एक क्रॉप जलती है उसकी पराली जो बचती है उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से हवा चलने से, हवा का रुख क्योंकि इस तरफ का होता है तो सारा पोल्यूशन दिल्ली की तरफ आ जाता है। देन देर इज वेस्ट बर्निंग 24%। हमारे घरों के आसपास जो पेड़ लगे होते हैं उनमें से जो ड्राई लीव्स गिरती हैं उनको जलाने से, और प्लास्टिक को भी जला दिया जाता है, जिसकी वजह से 24% पोल्यूशन बढ़ जाता है। बाकी जो दो चीज़ें हैं वो छोटी हैं, जैसे पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये थोड़े कम कम हैं। तो चलो अब हम इसी बारे में, अब इसके साथ हमें करना क्या है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू राइट द पैराग्राफ। हमें ये कुछ दिए गए हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम। नंबर 1 है द चैट चार्ट शोज इंडिकेट्स हाउ वी कैन बिगिन आर सेंटेंस इन आर पैराग्राफ इज़ लाइक, जब हम दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में लिखते हैं तो हम अपना सेंटेंस बिगिन कर सकते हैं। द चार्ट शोज़ दैट द पोल्यूशन इज मेनली क्रिएटेड बाय व्हीकुलर एमिशन दैट इज 33%, लाइक दिस। या द चार्ट इंडिकेट्स, हम इस तरह के सेंटेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन द अदर वन इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है अभी अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद है बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू। इस तरह से हम सेंटेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन, हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ लिखना शुरू करें। सो टेक आउट योर कॉपीज़, विल राइट टुगेदर। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपीज़ में लिखिए मेरे साथ साथ। डिक्टेशन भी हो जाएगी क्योंकि मैं डिक्टेट कर रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। इस तरह से हम बिगिन करेंगे कि एयर पोल्यूशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं टॉपिक में कि दिल्ली को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सेंटेंस लिखने के बाद हम लिखेंगे, अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं।
यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ये वाली। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं अपने पाई चार्ट में से, देखते हैं दोबारा पाई चार्ट में क्या है। ये हमने देख लिया वेहिकुलर एमिशन के बारे में हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे क्रॉप रेजिड्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फिर से पाई चार्ट देख लेते हैं और हमने तीन चीज़ों की बात कर ली है। नाउ वील टॉक अबाउट दीज टू स्मॉल इश्यूज़, सो कम बैक टू द राइटिंग सेक्शन। और सोच लेते हैं कि और हम क्या लिख सकते हैं। हमने लिख दिया कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो बैड शेप में है, और ये क्लियर है हमें कि पोल्यूशन जो है वो हेल्थ हैज़र्ड बन गया है, जो कि एयर को हाईली टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस बनाता है। क्या कर सकते हैं, हम सभी ये बात जानते हैं कि हमें पब्लिक क्या सोल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। ये हमें उस अपने पैराग्राफ में लिखना होगा कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बोलने में तो दोबारा स्टार्ट करती हूँ। दे मे ऑल्सो पूल देयर कार्स, कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें डबल डबल वर्ड्स आ जाते हैं, आपको पता ही है ये बात। इसको तो बिल्कुल बैंड कर देना चाहिए यानी कि मना कर देना चाहिए कि नहीं होगा। अब क्या होता है कि बैन तो लगा दिया जाता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि लोग फिर भी कर रहे हैं। बैन लग गया फिर भी कर रहे हैं। आप देखते हैं अपने आसपास पॉलिथीन बैन है पर लोग यूज़ कर रहे हैं, पत्ते जलाना बैन है लेकिन लोग जला रहे हैं। सो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और क्या होगा। तो लास्ट में हमें चाहिए कि जब हम ये लिखते हैं तो हम लास्ट में एक अच्छा सा स्लोगन या एक कैची लाइन दे दें जिससे हमारा पैराग्राफ इंटरेस्टिंग हो जाए। बस यहाँ पर हम अपना पैराग्राफ ख़त्म कर देते हैं। इसको आप देख सकते हैं, मैं पूरा शेयर कर दूंगी, चाहें तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, साथ साथ करेक्शन भी कर लेंगे। टॉपिक आपने देख लिया है, इसको टॉपिक आपको पता होना चाहिए, हमें सेंटर में लिखना होता है। हमें पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया है लेकिन पेपर में आपके आर्टिकल भी आता है तो आर्टिकल को हम तीन पैराग्राफ्स में बनाते हैं। बाकी आर्टिकल एंड पैराग्राफ्स आर ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल नॉट एग्जैक्टली
पर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। एयर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द अर्बन एरियाज। दीज डेज वी हेयर अलॉट अबाउट डेली अंडर पोल्यूशन। एवरी डे वी हेयर न्यूज अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स। देर आर मैनी थिंग्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। द चार्ट शोज दैट द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू डेलीज पोल्यूशन इज द वहीकुलर एमिशन, दैट इज 33% ऑफ द टोटल। इट इंडिकेट्स burning crop residue contributes as much as 29%, which comes next to the vehicular emission, while waste burning of dry leaves and plastic is also a major reason that increases Delhi's pollution. As per this chart, ye sentences maine sare aapke worksheet se liye hain, jo beginning of the sentences hai wo aapki worksheet se li gayi hai. As per this chart, the share of pollution from factories is only 9% and of construction dust is as low as 5%. Whatever the reason is, the air quality index of pollution in Delhi is in bad shape. Now it is clear that this pollution is really a health hazard and makes the air highly toxic. Shows the steps. कुछ गड़बड़ हो गई है लिखने में, मैं ठीक कर दे. So the steps must be taken to tackle this pollution. Awareness about this issue can do wonders. People must use public transport to commute. They may also pool their cars if using public transport is not possible. Agar public transport use karna possible na ho to hum car pooling bhi kar sakte hain. Burning of crops, dry leaves, iske beech mein ek comma aa jana chahiye, and plastic must be banned, and the ban BAN must be implemented at any cost. Let's join. यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम एक कैची लाइन लिख सकते हैं. Let's join hands to fight pollution and make Delhi a better place to live. Okay बेटा, तो ये आपकी वर्कशीट थी जो हमने कर ली है. पूरा मेरे लिए दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ. लो कोशिश किया पूरा एक ही पेज में आ जाए. आई सेंट इट टू माई डॉटर. सो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो पैराग्राफ आपके लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट आ गया है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड यू कैन डू इट. कुछ सेंटेंसेस अपने ऐड कीजिए. तो आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय. सो गुड बाय.